मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और आज मैं बना रही हूँ अपना डेली ब्लॉग। आज है नौमी और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज का दिन आपके साथ शेयर करूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। और बेसिकली मैंने कभी भी कोई डेली ब्लॉग नहीं बनाया है, सो आई थॉट कि ओके लेट्स टेक ए गुड इनिशिएटिव, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है और लेट्स सी हाउ इट गोज। सो अभी बजा है मॉर्निंग का 10:30, मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ, लंच में क्या बनाने वाली हूँ, पूरा दिन मेरे साथ कैसे कैसे होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। चीज़ पकौड़े बना लिए हैं और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अभी ना एक हादसा होते थे घटा है, एक्चुअली मैंने अपने कुकर में राजमा रखे थे और वो सीटी कुछ पॉइंट पर आई और फिर मैंने इधर उधर काम में लगी हुई सुनाई नहीं दिया। मुझे एकदम से रिलाइज हुआ कुछ अंदर ना जल रहा है और मैंने एकदम से उसको बंद किया। वो यू नो समथिंग रॉन्ग विद माई कुकर और जितने भी राजमा थे सब जल गए हैं। फिर दोबारा से मुझे कुछ और लंच के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आज हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है। सो वी हैव टू यू नो, तो आई हैव टू मेक समथिंग डिफरेंट। सो ये है मेरे चीज़ पकौड़ा और बहुत टेस्टी है और प्लस साथ में है चाय। सो कीप वॉचिंग। सो अभी जा रही हूँ मैं कुकर लेने के लिए, जैसे मेरा कुकर आज ख़राब हो गया था तो बहुत तेज़ बारिश जैसा होने वाला है, तो मैं जल्दी से जा रही हूँ ताकि मैं अपना लंच बना सकूं। सो देखते हैं कैसा कैसा अच्छा सा मिलेगा, कैसा मिलेगा। सो मैं अभी मार्केट से होकर आई हूँ और एक्चुअली आज रोड्स पे तो भीड़ नहीं है, बट जितने भी वार्ड्स हैं या हाइपर सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। ऐसा लग रहा है सब लोग आज ही सब कुछ परचेज़ कर लेंगे। तो मैंने अपना कुकर परचेज़ कर लिया, थोड़ा बहुत और नॉन स्टिक वेयर ख़रीदे हैं, विच आई विल शो यू। और आज यहाँ पे बैंगलोर में शायद एक रिचुअल होता है आज के दिन में भी, और जितने भी आपके फोर व्हीलर हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, तो वो लोग उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। यू नो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने, बड़ी सी माला लगा रखी है उन्होंने फ्रंट पे और केले के पत्तों से उसको डेकोरेट कर रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने पे। रोड पे मतलब हर दूसरी व्हीकल जो है कनाडा से, जो बैंगलोर से बेसिकली है, वो उस पे यू नो अच्छे से फ्लावर लगे हुए हैं, केले के पत्ते लगे हुए हैं, तिलक किला के ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एवरी मतलब मैं कहूँगी हर दूसरी जगह पे ये चीज़, ये रिचुअल हो रहा है। और अभी वी जस्ट हैड अ लंच क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे, और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मेरी सोसाइटी में आज थोड़े बहुत फंक्शन है, आई एम नॉट टू श्योर कि मैं पूरे सोसाइटी फंक्शन देख पाऊँगी आज, बट अभी हो रही है मेहंदी और ज़्यादा टाइम तक वो है।
और अभी मैंने मेहंदी लगवा ली है और उसको धुल भी दिया है, विच इज़ बहुत ट्रेजेडी होगी मेरे प्लान के साथ ना, बिकॉज़ वी हैड ए प्लान कि वी माइट गो आउट, लेकिन बट समहाउ यहाँ पे कहीं उस एरिया में बारिश हो रही है, सो वी आर नॉट गोइंग देयर. और अभी जो प्लान ये है कि हम अपनी सोसाइटी का ही जो फंक्शन है वी विल इन्जॉय दैट. हमारी सोसाइटी में भी डांडिया हो रहा है, डिनर है, और अभी मैजिक शो हुआ है, सो यही आशा का प्लान है. और देखते हैं, चलो देखते हैं चल के वहाँ पे क्या होने वाला है. आ जाएंगे ज्योति का तो बन गया. कितना लेफ्ट है? अभी 36. अच्छा, उसका हाईएस्ट बन रहा है. जल्दी जल्दी रखो. डन. आ गई हूँ और अभी बज रहा है 11:30. और अच्छा था फंक्शन और आई एम रियली टायर्ड. सो ये रही मेरी मेहंदी और इस पर मैंने अच्छे से पानी डाल दिया था, बट उसके बावजूद भी इस पर बहुत अच्छा कलर आ रहा है. होपफुली मॉर्निंग तक अच्छा हो जाएगा, लेट्स सी. सो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों का नवरात्रि कैसा गया, कौन कौन गरबा करने गया और डांडे करने गया. सो ये था मेरा आज का ब्लॉग. होप यू पीपल लाइक इट. और अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ थम्स अप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अपने डेली ब्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन करूँ. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, हैव अ गुड नाइट. बाय.